इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे से होते हुए रवाज से बाएं जानेब सरसब्जो शादाब हरे भरे खेतों की सरजमी कलर सईदा से बाएं जानेब मुड़कर कलर सईदा रोड जो के आज हमें हमारी मंजिल की जानिब लेके जाएगा। किला संगनी की जानिब जाते हुए सबसे पहले कई सौ साल पुराना बरगद का दरख्त देखने को मिलता है। जहाँ इस बूढ़े दरख्त की छांव ठंडी महसूस होती है, वहीं इसके फैलाव और हुजम को देखकर देखने वालों के जहनों पर एक हैबत सी भी तारी होती है। कुछ लम्हे आराम के बाद हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गए। किला संगनी जो कि इस्लामाबाद से 62 किलोमीटर और गुजर खान से 23 किलोमीटर के फासले पे है। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, तहसील कलर सईदा, बेवल शहर और गांव सुई चिमिया के मुजाफात में ऊंचे टीले पे कायम 5 बुर्जों वाला किला संगनी। मुगलिया फन तामीर का ये शाहकार देखते ही हम वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। ये इलाका उस वक्त पंजाब और कश्मीर का सरहदी इलाका समझा जाता था और इस किले की तामीर का मकसद भी सरहदी इलाके को तहफ्फुज देना था। इस किले की तामीर मुग़लों के दौरे हकूमत में हुई। बाद अज़ां ये इलाका सिख दौरे हकूमत के ज़ेरे साया रहा, जो कि 1799 से 1849 तक का अरसा था। महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हकूमत में हिंदू गवर्नर गुलाब सिंह डोगरा ने गालिबन 1810 में इस किले की दोबारा तामीर की।
इसके बाद ब्रिटिश यहां आ बसे और इस किले में कैदियों को रखा जाने लगा। किले की एक जानिब दीवार के साथ सदियों की उम्र वाला बूढ़ा बरगद का दरख्त देखने को मिलता है, जो अपने अंदर कई यादें समोए हुए है, जो कि अब सिर्फ राज ही बनकर रह गई हैं। किले की दूसरी जानिब हजरत साहबजादा अब्दुल हकीम का मज़ार देखने को मिलता है। हजरत साहबजादा अब्दुल हकीम, जिनका ताल्लुक इराक के शहर बगदाद से था, दीनी घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से आप दीन सीखने और तबलीग की गर्ज से इराक़ के शहर बगदाद, बगदाद से ईरान और फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आपको हज़रत बाबा जी मुरीद ख़ान अलमारूफ मियाँ हाजी बग्गा शेर सरकार से ज़ाहरी और बातनी बैत का शर्फ हासिल होने के बाद विलायत का दर्जा हासिल हुआ। आप हर वक्त इबादत में मगन रहते और मुख्तलिफ मकामात पर चिल्ला कशी किया करते थे। इसी मुनासबत से आपने जहां आज किला संगनी मौजूद है, इस मुकाम को इबादत के लिए मुख्तस किया। उस वक्त किला का नामो निशान तो ना था, लेकिन जब किला की तामीर शुरू हुई तो आपको यहाँ से चकराली शरीफ जाने पर मजबूर कर दिया गया, जहाँ आपने दीन की तबलीग शुरू की, फिका और हदीस पर जामिया कुतब तसनीफ की। कुछ अरसे बाद आप इस दारे फानी से रहलत फरमा गए और चकराली शरीफ को ही आपका मदफन बनाया गया। तकरीबन 50 साल बाद आपने अपने फर्जंद हजरत साहबजादा सैयद मोहम्मद साहिब अलमारूफ सखी सरकार और नज़दीकी गांव सुई चिमिया के चीमा कौम के लोगों को ख्वाब में इरशाद फरमाया कि मुझे यहां से किला संगनी वाली जगह ले चलो। आपके फरमान के मुताबिक आपको आपकी पुरानी इबादतगाह वाली जगह दफन किया गया और बाकायदा मज़ार तामीर किया गया। मज़ार की तामीर और नक्शो निगार में महारत और अकीदत खूब दिखाई देती है। मज़ार के साथ मुंसलिक एक छोटी सी मस्जिद भी है, जहां मुसाफिर और करीबी गांव के लोग नमाज अदा करते हैं। किला के उकब में बहती नदी उस वक्त पानी की ज़रूरियात पूरी करती थी।
इस अजीम बुजुर्ग से रूहानी निस्बत रखने वाले लोगों के आने जाने की वजह से ये किला आज भी आबाद है, वरना हुकूमती तवज्जो ना होने की वजह से शायद ये किला आज वीरान होता और किसी खंडरात का मंजर पेश कर रहा होता। गुजरता वक्त इस पनबुर्जे किले को कदीम तर करता जा रहा है, अब सिर्फ सुनने को दास्तानें ही रह गई हैं। अपनी बुनियादों में यह किला 200 साल पुरानी तारीख लिए उसी शानो शौकत से आज भी खड़ा है जो हर तारीखी इमारत का खासा है। Thank you.